नमस्कार दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के केएल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अपने देश की सिटी बेंगलुरु के बारे में। तो बता दें कि बेंगलुरु भारत की तीसरी सबसे बड़ी नगरी और भारत की सिलिकॉन वैली और आईटी की राजधानी है। तो चलिए बताते हैं कि बेंगलुरु, फिलहाल हम बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो चलिए आज हम सैर करेंगे बेंगलुरु के बारे में। तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर और पांचवां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। हाँ, इसकी जनसंख्या 84 लाख है और महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 89 लाख है। यह दक्षिण भारत में डेक्कन के पठार पर स्थित है और ऊंचाई पर है। हाँ, आप बताते हैं कि इसे भारत का उदान नगर भी कहा जाता है और यह भारत की सिलिकॉन वैली और आईटी राजधानी के रूप में भी माना जाता है। और बेंगलुरु का इतिहास गंग वंश से शुरू हुआ और इसके बाद चोल, होयसल, विजयनगर, मुगल और मैसूर ने भी इस पर बहुत जबरदस्त शासन किया। इसके बाद आज यह स्वतंत्र भारत का एक राज्य की राजधानी है और 2006 में नाम की वर्तन यानी चेंज को बेंगलोर से बेंगलुरु में बदला गया। हाँ, पुरानों में इसे कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश राज्य के आगमन के बाद इसे बेंगलोर कहा जाने लगा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका निर्माण हुआ और यह नगर का नींव रखा गया। तो फिलहाल हम लोग बेंगलोर की ओर चल रहे हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर फेसबुक पेज में देखते होंगे तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि हम आपके लिए एक से एक जानकारियां इकट्ठा करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। यह नज़ारा देख आप समझ ही गए होंगे कि फिलहाल हम लोग बेंगलोर उतर चुके हैं। अब चलिए बेंगलोर का नज़ारा कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं। एक सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक बस चलती है, एक बस नहीं यानी सभी बसें जो चलती है वो BMC यानी बेंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बस चलती है। ज़्यादातर प्राइवेट बस बहुत कम दिखाई देता है। तो चलिए, बस पर चढ़ चुके हैं और बस का सैर करते हैं। अब यहाँ का नज़ारा हम आपको कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो कहा जाता है कि बेंगलोर की जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ना यहाँ पर ना ठंड भी ज़्यादा महसूस होता है ना ज़्यादा गर्मी भी महसूस होता है और सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये बेंगलोर जो सिटी है, जो साइंस या टेक्नोलॉजी आईटी का सेक्टर भी कहा जाता है, जो बहुत ही बड़े बड़े कंपनी आईटी कंपनी की यहाँ पर हेड ऑफिस भी है। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे और जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर बनता है, जो आप अपने से लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए, वीडियो के साथ मज़ा कीजिए और जय हिंद, जय भारत।